पंजाब हुकूमत ने रमजान के आखिरी अशरे और यौमे अली अलैहिस्सलाम के मौके पर हर किस्म के जुलूस और एतकाफ पर पाबंदी आयद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी अमाम बारगाहों में SOPs के तहत सिर्फ मजालिस की इजाजत होगी। सिंध और बलूचिस्तान में तमाम मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। यौम हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर पंजाब में इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की इजाजत होगी। SOPs के मुताबिक मजालिस ज्यादा से ज्यादा एक घंटे तक जारी रखी जा सकेंगी। SOPs पर अमल न होने की सूरत में मजालिस की इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पिशावर समेत सूबे भर में यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम जलूसों पर पाबंदी आयद है। महकमे रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक सिर्फ इमाम बारगाहों में SOPs के तहत सिर्फ मजालिस की इजाजत होगी। सिंध में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे पर मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध हुकूमत के एलामिया के मुताबिक कराची समेत सूबे भर में जलसे और जलूस की बरामदगी ममनू होगी। किसी को भी खुले मकामात पर जलसे जलूस की इजाजत नहीं। शहरी घरों में रहते हुए इबादात को अंजाम दें। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी तमाम मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। महकमे दाखिला के एलामिया के मुताबिक यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। उलमा हजरात इज्तिमात से गुरेज करें।